जियोवानी बोलता है, भले ही इसमें बहुत साल लग गए हों, लेकिन फाइनली अब म्यूटू मेरा हो चुका है। और हम देखते हैं टीम रॉकेट ने वापस से म्यूटू को कैप्चर कर लिया है और उसको वो आर्मर पहना दिया जिससे वो लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन तभी टीम रॉकेट का एक मेंबर आता है और जियोवानी से कहता है, बॉस वो पिकाचू वाला लड़का बहुत ज़्यादा शोर मचा रहा है। और हमको पता चलता है वो लड़का और कोई नहीं ऐश है, जिसको टीम रॉकेट ने पकड़ रखा है पिकाचू की वजह से। ऐश बहुत ज़्यादा गुस्से में बोलता है, चुपचाप मेरा पिकाचू मुझे वापस दे दो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जियोवानी सोचता है, लगता है ये बिल्कुल सही मौका है म्यूटू को टेस्ट करने का। और वो ऐश से बोलता है, मैं तुम्हारे साथ एक पोकेमॉन बैटल करना चाहता हूँ, अगर तुम जीते तो मैं तुम्हारा पिकाचू वापस मिल जाएगा और मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, लेकिन अगर तुम हारे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। जियोवानी के पास म्यूटू के अलावा तीन और पोकेमॉन्स थे, पर्शियन, निडोकिंग और राइडॉन। वो ऐश से बोलता है, मैं चार पोकेमॉन का इस्तेमाल करूंगा पर तुम्हारे पास जितने भी है तुम सबका इस्तेमाल कर सकते हो। जियोवानी सबसे पहले राइडॉन को भेजता है और ऐश अपने स्नोरलैक्स को निकालता है। सबसे पहले जियोवानी का राइडॉन एक अर्थक्वेक अटैक का इस्तेमाल करता है, लेकिन यार स्नोरलैक्स सीधा हवा में उड़ता है और एक मेगा पंच उसके मुंह पे मार देता है जो कि बहुत खतरनाक होता है। ऐश बोलता है, लगता है स्नोरलैक्स बहुत आसानी से राइडॉन को हरा देगा, लेकिन उतने में ही राइडॉन एक बहुत ज़्यादा पावरफुल हॉर्न ड्रिल अटैक करने आता है ऐश के स्नोरलैक्स पे, लेकिन बिल्कुल सही समय पे ऐश उसको डॉच करने के बोल देता है और स्नोरलैक्स उससे बच जाता है। और तुरंत ही ऐश बोलता है, स्नोरलैक्स अब जल्दी से एक आइस पंच अटैक यूज़ करो, और ये आइस पंच भी डायरेक्ट उसके फेस पे लगता है और राइडॉन को इससे बहुत अफेक्ट होता है। और ऐश बोलता है, अब जल्दी से हाइपर बीम के लिए एनर्जी कलेक्ट करो और ख़त्म कर दो इस राइडॉन को। और वो एनर्जी कलेक्ट करने लग जाता है, लेकिन उतने में जियोवानी बोलता है, जल्दी से हॉर्न ड्रिल अटैक यूज करो और खत्म करो स्नोरलैक्स को। और वो जल्दी से भाग के आता है राइडॉन, लेकिन बिल्कुल पर भी लग जाती है स्नोरलैक्स या राइडॉन को और राइडॉन फेंट हो जाता है। जियोवानी हंस के बोलता है, काफी अच्छा ट्रेन किया है तुमने अपने स्नोरलैक्स को, लेकिन मेरे पर्शियन से नहीं जीत पाएगा। और जियोवानी अपने पर्शियन को भेजता है। सबसे पहले पर्शियन जाते ही स्लैश अटैक मारने जाता है, लेकिन सही समय पर स्नोरलैक्स उसको डॉच कर देता है। लेकिन फिर तुरंत ही बिना रुके पर्शियन बाइट अटैक यूज कर देता है स्नोरलैक्स पे, जो कि भाई बिल्कुल स्नोरलैक्स को लग जाता है और उस पर काफी अफेक्ट होता है। तब ऐश बोलता है, जल्दी से हैवी स्लैम अटैक यूज करो, लेकिन पर्शियन जैसे ही वो हैवी स्लैम करने वाला होता है वहां से हट जाता है। और फिर तुरंत ही जियोवानी बोलता है, जल्दी से एक स्लैश अटैक, और सीधा स्लैश अटैक मार देता है पर्शियन स्नोरलैक्स के मुंह पे, जो कि इसको बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। ऐश बोलता है, पर्शियन बहुत ज्यादा फास्ट है लेकिन तब भी मैं इससे निपट सकता हूं। और ऐश अपने स्नोरलैक्स को बोलता है, स्नोरलैक्स जल्दी से यौन अटैक यूज करो पर्शियन पे। फिर स्नोरलैक्स अपना यौन अटैक यूज कर देता है पर्शियन पे, जिससे पर्शियन नहीं बच पाता और उसको लग जाता है और पर्शियन सो जाता है। ऐश बोलता है, अब ये बहुत ज़्यादा सही मौका है, अभी मैं जीत सकता हूँ। और वो तुरंत बोलता है, जल्दी एक बॉडी स्लैम मारो और ख़त्म कर दो पर्शियन को। लेकिन जैसे ही बॉडी स्लैम लगने वाला होता है पर्शियन अचानक से उठ के वहाँ से हट जाता है, लेकिन ऐश इसके लिए ऑलरेडी तैयार होता है। वो जल्दी से स्नोरलैक्स को बोलता है, आइस पंच अटैक, लेकिन उतने में जियोवानी का पर्शियन भी एक स्लैश अटैक कर देता है और दोनों के अटैक टकरा जाते हैं और दोनों ही फेंट हो जाते हैं। फिर ऐश अपने गेंगार को भेजता है और जियोवानी अपने निडोकिंग को। जियोवानी बोलता है, निडोकिंग सबसे पहले जल्दी से जाके एक फरी अटैक का कमाल दिखाओ, लेकिन तुरंत ही गेंगार अटैक से बच जाता है और वो शैडो पंच मारता है सीधा उसके मुंह पे। लेकिन निडोकिंग सही समय पे बिल्कुल ही हट जाता है और उसको एक हॉर्न अटैक मार देता है जिससे गेंगार को बहुत लगती है। जियोवानी बोलता है, अब जल्दी से पॉइजन स्टिंग अटैक का यूज करो गेंगार पे। और निडोकिंग जल्दी से पॉइजन स्टिंग करता है, लेकिन गेंगार भी शैडो बॉल अटैक यूज कर देता है सही समय पे, और जिससे दोनों अटैक्स टकरा जाते हैं और दोनों पोकेमॉन्स को ही कुछ नहीं होता। वहां पे काफी धुआं हो गया होता है, इसी का फायदा उठा के जियोवानी बोलता है, निडोकिंग सबसे पहले फोकस एनर्जी यूज करो और फिर सीधा मेगा हॉर्न से खत्म कर दो गेंगार को। निडोकिंग अपना मेगा हॉर्न मारने ही जाता है गेंगार को, लेकिन उतने में ही गेंगार भी शैडो बॉल यूज करता है, लेकिन निडोकिंग सीधा उसके शैडो बॉल को चीरते हुए निकल जाता है और सीधा मेगा हॉर्न अटैक मार देता है गेंगार को। सरप्राइजिंगली ऐश का गेंगार अभी भी फेंट नहीं हुआ होता, वो जमीन पे ही पड़ा होता है लेकिन फेंट नहीं होता अभी भी। जियोवानी बोलता है, अब चलो एक अर्थ पावर यूज करते हैं और इसको खत्म करते हैं। और ऐश समझ जाता है कि अब इस अटैक की वजह से गेंगार हारने वाला है, तो वो जल्दी से गेंगार से बोलता है, डेस्टिनी बॉन्ड अटैक, और सही समय पर गेंगार डेस्टिनी बॉन्ड यूज कर देता है, जिसके चलते अगर गेंगार खुद फेंट होगा तो साथ ही साथ निडोकिंग भी फेंट हो जाएगा। निडोकिंग का अर्थ पावर जैसे ही लगता है गेंगार को, गेंगार तो फेंट हो जाता है लेकिन साथ में निडोकिंग भी फेंट हो जाता है और ऐश का प्लान काम कर जाता है। ऐश बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि फाइनली उसने जियोवानी को हरा दिया और उसको पिकाचू वापस मिल जाएगा। लेकिन तभी जियोवानी बोलता है, अरे अभी रुक जाओ, बैटल बाकी है, मेरे पास एक और पोकेमॉन है। और तभी वहाँ से आर्मर म्यूटू चल के आता है। म्यूटू को देख के ऐश बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है, मुझे पता था पक्का जियोवानी की इसमें कोई चाल होगी, लेकिन तब भी मैं अपने पिकाचू के लिए म्यूटू को भी हराऊंगा। अब बैटल में ऐश का ड्रैगनाइट होता है और जियोवानी का म्यूटू। ऐश बोलता है, जल्दी से ड्रैगन क्लॉ अटैक का यूज़ करो,
ड्रैगन क्लो म्यूटू को लगने से पहले ही म्यूटू वहां से हट जाता है, डॉज कर देता है अटैक को और तुरंत ही जियोवानी बोलता है अब डिसेबल कर दो इस अटैक को। ऐश बोलता है ड्रैगनाइट बिल्कुल भी रुको मत, सीधा हरिकेन अटैक यूज करो म्यूटू पे। लेकिन फिर से म्यूटू अटैक को डॉज कर देता है और उसका हरिकेन अटैक भी डिसेबल कर देता है। ऐश बोलता है ड्रैगनाइट जल्दी से हाइपर बीम। ड्रैगनाइट हाइपर बीम के लिए एनर्जी कलेक्ट करता है लेकिन तब भी म्यूटू उसको कुछ नहीं कर रहा होता और वो बोलता है अब जल्दी से हाइपर बीम अटैक यूज करो। लेकिन तुरंत ही म्यूटू अपना साइको कट अटैक यूज करता है और दोनों अटैक आपस में टकरा जाते हैं और दोनों को कुछ नहीं होता। ड्रैगनाइट अपना ड्रैको मीटियर अटैक यूज करता है लेकिन सेफ गार्ड करके म्यूटू आराम से उस अटैक से बच जाता है और जियोवानी बोलता है चलो अब बहुत खेल के हो गया, अब जरा इसको अपना असली ताकत दिखाते हैं। म्यूटू साइज स्ट्राइक अटैक यूज करो और म्यूटू का साइज स्ट्राइक सीधा जाके लगता है ड्रैगनाइट को और ड्रैगनाइट बहुत ज्यादा दूर जाके गिर जाता है और ये इतना ज्यादा पावरफुल मूव होता है। ड्रैगनाइट के फेंट होने के बाद ऐश के पास सिर्फ दो पोकेमॉन्स बचे होते हैं, उसका लुकारियो और सेप्टाइल। क्योंकि ये बैटल कुछ भी प्लान नहीं थी, इसी वजह से ऐश ने अपनी एकदम बेस्ट टीम नहीं बनाई थी, एकदम बेस्ट टीम लेके नहीं आया था, उसके पास जो भी पोकेमॉन्स थे वो उन्हीं से लड़ रहा था। ऐश अपने लुकारियो को निकालता है और उसको मेगा इवॉल्व कर देता है। ऐश बोलता है सबसे पहले डबल टीम अटैक का यूज करो और सीधा फोर्स स्पेल में अटैक यूज करो। लेकिन म्यूटू एक सेफ गार्ड अटैक यूज करता है और लुकारियो का अटैक उस पर कुछ भी अफेक्ट नहीं करता। ऐश बोलता है लुकारियो बिल्कुल भी हार मत मानना, सबसे पहले डबल टीम अटैक यूज करो और फिर एक जोरदार ऑरा स्पीयर मारो। लुकारियो बिल्कुल वैसा ही करता है जैसे ऐश उससे कहता है, लेकिन फिर से म्यूटू अपने सेफ गार्ड अटैक की वजह से बच जाता है और उसको थोड़ी सी खरोच भी नहीं आती। जियोवानी बोलता है तुम इसको ऑरा स्पीयर बोलते हो, असली ऑरा स्पीयर क्या होता है ये मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और तुरंत ही म्यूटू ऑरा स्पीयर अटैक यूज करता है जो कि सीधा जाके लग जाता है लुकारियो को और उससे लुकारियो को बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है। ऐश बोलता है लुकारियो जल्दी उठो और फिर से एक पूरी ताकत से ऑरा स्पीयर अटैक यूज करो। लेकिन तभी जियोवानी बोलता है अपना सबसे पावरफुल शैडो बॉल अटैक यूज करो और म्यूटू अपना एक बहुत पावरफुल शैडो बॉल अटैक यूज करता है जो कि बहुत ज्यादा बड़ा होता है और वो सीधा मार देता है उसको लुकारियो पे और लुकारियो तुरंत ही फेंट हो जाता है। ऐश अपनी पोकेबॉल की तरफ देखता है और बोलता है अब बस तुम ही हमें जिता सकते हो सेप्टाइल, और वो अपने सेप्टाइल को बाहर निकालता है। ऐश बोलता है सेप्टाइल सबसे पहले एजिलिटी अटैक यूज करो और फिर जल्दी से बुलेट सीड मारो सीधा म्यूटू पे। सेप्टाइल बुलेट सीड यूज करता है लेकिन म्यूटू आसानी से स्विफ्ट अटैक से उसको काउंटर कर देता है। जियोवानी बोलता है चलो फाइनली इस गेम को यहीं पे खत्म करते हैं। म्यूटू कन्फ्यूजन अटैक का यूज करो सेप्टाइल पे और सेप्टाइल जो है कन्फ्यूज हो जाता है और तभी जियोवानी बोलता है अब साइको कट अटैक का यूज करो और खत्म करो सेप्टाइल को। म्यूटू का साइको कट सेप्टाइल को लगने ही वाला होता है लेकिन अचानक से वो कन्फ्यूजन से बाहर आ जाता है और तुरंत एजिलिटी अटैक का यूज करके वहां से बच जाता है। ऐश अब अच्छे से समझ जाता है कि वो म्यूटू को बिल्कुल भी नहीं हरा सकता, तो वो एक प्लान बनाता है कि वो म्यूटू का आर्मर तोड़ देगा जिससे कि वो जियोवानी के कंट्रोल से बाहर आ जाएगा। ऐश बोलता है सेप्टाइल एजिलिटी अटैक का यूज करो और जल्दी जल्दी यहाँ से वहाँ भागो और म्यूटू को कंफ्यूज करो, और सेप्टाइल बिल्कुल वैसा ही करने लग जाता है। वो एजिलिटी का यूज करके यहाँ से वहाँ भागता है और म्यूटू को कंफ्यूज करना स्टार्ट कर देता है। म्यूटू अपना शैडो बॉल अटैक करने ही वाला होता है लेकिन उतने में ही ऐश बोलता है ये बिल्कुल सही से मैं सेप्टाइल पूरी ताकत लगाओ और अपने लीफ ब्लेड की मदद से म्यूटू का आर्मर तोड़ दो। इतना एजिलिटी अटैक यूज करने की वजह से सेप्टाइल की स्पीड बहुत बढ़ जाती है और वो सीधा जाके लीफ ब्लेड मार देता है म्यूटू के आर्मर को, और वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और तभी हमको पता चलता है कि फाइनली म्यूटू का जो आर्मर है वो हट चुका है। ऐश को पहले से ही पता था कि अगर ऐसा होगा म्यूटू कंट्रोल से बाहर आएगा तो वो ये पूरा हेडक्वार्टर्स तबाह कर देगा, इसीलिए वो जल्दी से पिकाचू को अपने साथ लेता है और टीम रॉकेट के हेडक्वार्टर से सही समय से निकल जाता है। और तभी हम पीछे देखते हैं कि म्यूटू पूरा हेडक्वार्टर तबाह करके वहाँ से चला जाता है। ऐश को लगता है कि सारे टीम रॉकेट के मेंबर्स जो अंदर थे और जियोवानी सबके सब अंदर मारे गए, लेकिन तभी हमको जियोवानी का प्लेन दिखाया जाता है और हमको पता चलता है कि जियोवानी वहाँ से सेफ बाहर आ चुका है और वो बोलता है तुमने मेरी इतने साल की मेहनत खराब करी है बच्चे, अगली बार ज़रूर मिलेंगे। तो यार कैसी लगी तुम सब लोग को ये स्पेशल वीडियो, होपफुली तुम लोग को पसंद आई हो। और यार इस वीडियो में भी लाइक एम में रख रहा हूँ 10,000 लाइक्स का, जो कि मैं चाहता हूँ भाई तुम लोग एक दिन के अंदर कंप्लीट करो, काफ़ी बड़ा एम है, पर यार मुझे पता है तुम लोग कर दोगे। जैसे ऐश वर्सेस डैड पे सपोर्ट दिखाया था वैसा ही भाई इस पे जरूर दिखाना। और यार एक मेन चीज़ इस वीडियो में जो तुमने इतनी शानदार एडिटिंग देखी है ना, ये एडिटिंग मैंने नहीं करी, ये करी है भाई पोके वैली ने, भाई बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है भाई पोके वैली को। तो ज़रूर जाके सब लोग चैनल सब्सक्राइब करना पोके वैली का, लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और एंड स्क्रीन दोनों जगह मिल जाएगी। ज़रूर जाके भाई जो भी वीडियो देख रहे हैं सब सब्सक्राइब करना और मेरे चैनल भी तुम लोग सब्सक्राइब कर सकते हो अगर तुमको पोकेमॉन से प्यार है, पोकेमॉन का कंटेंट पसंद है। और यार अगर तुम लोग इंस्टाग्राम पर हो तो मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हो, या अगर टेलीग्राम पे हो तो मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये रही हमारी आज की पोके क्विज, मिलेंगे तुमसे ऐसी किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।